घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको वो बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। जी हां, पाकिस्तान ने जो हरकतें की है उसका जवाब आज भारत की सेना ने दिया है। पुलवामा में जो जवानों पर हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद पूरा देश गमगीन था। हर चौराहे पर, हर दफ्तर में, हर घर में इस बात की चर्चा थी कि अब देश इसका जवाब कैसे देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कर रहे हैं? लेकिन जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उसका जवाब देने में कुछ समय लगता ही है। भारतीय सेना ने अपनी तैयारी के साथ और सरकार और सेना ने तालमेल के साथ महज 12 दिन बाद जो पुलवामा का जवाब दिया उसको देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि ये काम भी भारत कर सकता है। अभी तक ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की तैयारी ज़्यादा है, हम कमज़ोर हैं तैयारियों में, बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। पुलवामा की घटना के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि हमें एक मौका देना चाहिए, लेकिन 44 जवानों के शहीद होने के बाद ये देश भारतीय सेना से जवाब की उम्मीद कर रहा था और सेना इस मामले में खरी उतरी है। निश्चित रूप से आज तड़के जो पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ढेर गिराए और लगभग 300 से ज़्यादा आतंकियों को मारने की खबर आई है, उससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि सब लोग ये चाहते थे कि 44 का जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि 400 से ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर इस समय तक कोई आंकड़ा नहीं आ पाया है। भारत के जवाबी हमले के बाद विश्व के कई देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। यह भी हमारी रणनीतिक सूझबूझ का परिणाम। पाकिस्तान में जिस तरह से संसद में इमरान खान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे, उससे से भी भारतीयों का सीना गर्व से जोड़ा हुआ। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है। जब नितिन गडकरी का यह बयान आया था कि हम पाकिस्तान का पानी भी रोक देंगे, तब इस बात का एहसास हो गया था कि भारत इस हमले का जवाब जरूर देगा। कश्मीर को लेकर आजादी के बाद से लेकर अब तक कई बार विवाद हो चुके, लेकिन पहली बार ऐसा करारा जवाब हिंदुस्तान ने दिया कि पाकिस्तान सालों साल तक अब कोई गलती नहीं करेगा। पूरे देश ने आज इस बात का जश्न मनाया कि हमारी भारतीय सेना काफी मजबूत है, देश की सरकार इसका जवाब दे सकती है। पूरा विपक्ष भी इस समय सेना और सरकार के साथ है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी भी है। आज सुबह से कई लोगों से बातचीत हुई तो यह कहा जाने लगा कि हिंदुस्तान ने जब भी जवाबी हमला करने में देर की है तो पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया है। समझौते की कोशिश भारत की तरफ से कई बार हुई, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, नरसिंह राव के समय, वीपी सिंह के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मनमोहन सिंह के समय में। ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत की थी
और कहा था कि आओ हम साथ में मिलकर इस बात से लड़े कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक अच्छा माहौल बने, हम आतंकवाद से लड़ें, हम भूख से लड़ें, हम आर्थिक मोर्चों पर लड़ें, लेकिन दोनों देश के बीच शांति का पैगाम जरूरी है। कई बार मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले ये कहा था कि हम चुप कभी नहीं बैठेंगे। आज हमले के बाद राजस्थान के चुरू से नरेंद्र मोदी ने जब ये हुंकार भरी कि मैं देश का सिर झुकने नहीं दूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, तो एक बार फिर विश्वास और बढ़ा है कि भारतीय सेना और केंद्र सरकार पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकियों को संरक्षण दिया, आर्थिक सहयोग किया, लगता है कि अब उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, एक बार फिर वैसी संभावना दिख रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक हालत सुधारना चाहिए, भुखमरी से लड़ना चाहिए, लेकिन वो आतंकवाद के इशारों पर चल रहा है। अमेरिका में भी ये बात हुई कि आतंकवाद से विश्व के सारे देशों को मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन पुलवामा में हुई घटना ने पाकिस्तान को सबसे पीछे कर दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। वाकई भारतीय सेना को प्रणाम करने का मन करता है कि क्योंकि उन्होंने इस देश की सुरक्षा के खातिर इतना बड़ा जवाबी हमला दिया, और हम लोग जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर सुरक्षित रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो उसका कारण है कि कश्मीर में कड़ाके की ठंड नहीं बल्कि बर्फीली धरती पर या बर्फीली माहौल में माइनस डिग्री टेम्परेचर में सेना के जवान खड़े रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, सीमा की सुरक्षा हम करेंगे, भले ही हम अपनी जान क्यों ना दे दें। वाकई एक बार फिर ये ऐसा मौका है जब पूरे देश को एकता और अखंडता के साथ सेना के साथ खड़े रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए ghamasan.com पर ये कार्यक्रम दे धनादन। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।